गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस में हम लोग रीड कर रहे थे कुछ चैप्टर्स, तो चलिए अपने बुक्स निकाल लीजिए और हम लोग पढ़ेंगे आज नया चैप्टर, चैप्टर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेटिज्म, सुना है आपने कभी? पहले आपने मैग्नेट सुना होगा, है ना, एक वर्ड है मैग्नेट। मैग्नेट का हिंदी मतलब होता है चुंबक। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, मतलब जो चुंबकीय गुण जो मैग्नेट का होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। चुंबक का एक गुण होता है कि वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस गुण को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, कैसे डिस्कवरी हुई, टाइप ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जो मैग्नेट हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चुंबक आप सबने देखी है, वी कैन बी कम अक्रॉस मैग्नेट इन अवर डेली लाइफ। व्हाट इज द क्यूटेस्ट वे टू पिक अप सम पिंस एंड दैट बीन स्लिट्स ऑन द फ्लोर, इफ अ मैग्नेट इज यूज्ड, पिंस स्टिक ऑन द एंड ऑफ द मैग्नेट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ मैग्नेट। क्या आप सोच सकते हैं कि मैग्नेट के और भी यूज क्या हो सकते हैं? मैग्नेट आर यूज इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में मैग्नेट यूज होती है, टीवी पिक्चर्स में मैग्नेट यूज होती है, ट्यूब्स में जो टीवी के अपने शायद पुरानी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी उसमें तो जरूर देखा होगा कि पीछे एक पिक्चर ट्यूब होती थी जो उसकी पूछ टाइप की होती थी, वहां पर मैग्नेट होता था। लाउड स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं उनमें मैग्नेट यूज होता है, कंप्यूटर प्रिंटर्स में मैग्नेट यूज होता है। दिस ऑलमोस्ट एवरीबॉडी यूज uses magnetic force in one form or the other form. Magnets are used to make several applications that are used in our daily life. बहुत सारी जगह पे magnet use होता है। कैसे हुई magnet की discovery, ये आपको पढ़ना है अपने से, मैं इससे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो ये अच्छा एक story है, तो आपको अच्छा लगेगा लिख करने में। हम बात करते हैं properties of magnet, क्या क्या properties होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं magnet के, ठीक है। तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज सबटेंडेड फ्रीली इट्स ऑलवेज पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर एक कोई चुंबकीय चुंबक है, इस तरह की कोई चुंबक है, ठीक है, और हम इसको ऐसे फ्रीली लटकाए हैं तो वो ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकेगी, ऐसी नहीं रुकेगी, वो ऐसी ही रुकेगी, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स ऑल स्मॉल ऑफ आयरन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। छोटे मोटे लोहे के अपनी ओर खींचती है, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है इसकी। लाइक पोल्स और मैग्नेट्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स द ईच अदर। समान ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव, मतलब इसमें दो ध्रुव होंगे, एक एन होगा दूसरा एस होगा, तो एस और एस अपने आप को दूर करेंगे, ठीक है, और एन और एस अपने आप को अपनी ओर खींचेंगे, है ना। तो मतलब यही है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, मतलब अनलाइक पोल्स जो है एन और एस है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और एस एस और एन एन वो अपने आप को दूर भगाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है लाइक मैग्नेट्स ऑफ प्रॉपर्टी रियल चीज है, ये बात हम कर ही चुके हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैग्नेट, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम बनाते हैं, बना होगा मैग्नेट, ठीक है। अब ये भी तरह तरह का होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, उसको आप रीड करना तो समझ में आ जाएगा। थर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या कि एक स्पेशल टाइप का मैग्नेट होता है जो कि मोटर वगैरह में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह में, बोर बेल्स में, ठीक है। सॉफ्ट आयरन बार विच आर वायर अराउंड राउंडेड इन एक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट मैन करंट पास थ्रू। आपने देखा होगा कि एक राउटर होता है,
कभी मोटर बोरिंग वगैरह के आपने देखी होती है, लंबा सा राउटर होता है उसके पास, एक जिस जगह पे वो घूमता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो जो चीजें जो जो ऐसे सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट और कैन बी कन्वर्ट इनटू अ आर्टिफिशियल मैग्नेट, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरी चीजों को, ठीक है, या फिर वो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी मैग्नेट में, तो इनको हम बोलते हैं मैग्नेट सब्सटेंस। ठीक है, नॉन मैग्नेट सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच आर नाइदर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट और नॉट कैन बी कन्वर्ट इनटू, ना तो दूसरी चीज अट्रैक्ट करते हैं ना उनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लकड़ी है, ठीक है, पत्थर है, तो इन चीजों को हम ना अट्रैक्ट कर सकते, ना अट्रैक्ट करते हो किसी को ना वो उनको कन्वर्ट कर सकते। एक्टिविटी आपको अपने से पढ़नी है। पोल्स ऑफ मैग्नेट दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है एक, साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को हम एन बोलते हैं, साउथ पोल को हम एस बोलते हैं, ठीक है। तो हम यूज क्या करते हैं मैग्नेट का, हम मैग्नेट का यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने में, ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास में, ठीक, इन सब जगहों पे हम उसका मैग्नेट का यूज करते हैं। और एक्सिस्टेंस ऑफ मैग्नेट पोल्स इंपेयर्स, मतलब ये सिंपल सी चीज है कि कोई बड़ी सी भाई, सपोज ये मैग्नेट है और मैं इसको बीच में से तोड़ूंगा, ठीक है, तो ये इसमें अभी क्या है, एक एन होगा दूसरा एस होगा, ठीक है, मैं इसको तोड़ूंगा तो एक सेपरेट मैग्नेट बन जाएगी और ये सेपरेट मैग्नेट बन जाएगी, है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्या है, बाय इंडक्शन क्या होता है, व्हेन द मैग्नेट इज केप्ट नियर मैग्नेटिक मटेरियल्स द रैंडमली स्पेस मैग्नेटिक डोमेन्स इज मटेरियल ग्लैड अलाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एक्सपर्टेड बाय मैग्नेट, मतलब कोई पड़ोस में जब उसको लाते हैं किसी उसको ऑब्जेक्ट मतलब कंडक्टर क्या बोलेंगे हम उसको, मैग्नेटिक डोमेन ऑफ द मटेरियल ग्लैंड अलाइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय मैग्नेट, तो वो एक टेम्परेरी मतलब मैग्नेटिक का काम करने लगता है अगर हम उसको किसी चीज को सब्सटेंस को लाते हैं उसके पास में। अब सभी को काम नहीं करता, इसके पहले हमने जो पढ़ी थी ना दो चीजें, हम वहां पर ध्यान रखना पड़ी, क्या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएंगे तभी वो काम करेगा। हैंडलिंग मैग्नेट क्या है, हैंडलिंग मैग्नेट आपको अपने से पढ़ना है, ठीक है, एक्सरसाइज आपको अपने से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर एंड एयर, देयर इंपोर्टेंस, पानी और हवा के बारे में पढ़ेंगे और उनके इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो।